क्या अवतार वे ऑफ द वॉटर अपने पहले पार्ट का कलेक्शन बीट कर पाएगी, तुमको क्या लगता है? ये सब की बात करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अवतार इंडिया के अंदर कैसा कलेक्शन कर रही है। तो इसने डे वन पे 40 करोड़ कमाए थे, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन डे टू पे वो बढ़ के 42.5 करोड़ हो गया और डे थ्री पे 46 करोड़। तीन दिन के ओपनिंग वीकेंड का इसका टोटल कलेक्शन होता है ऑलमोस्ट 129 करोड़, जो कि ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस है। अब अगर हम लोग ध्यान से इन नंबर्स को देखें तो फ्राइडे जो 40 करोड़ थे से संडे का ग्रोथ ज्यादा नहीं है इसका, लेकिन ये नंबर्स ऑलरेडी इतने बड़े हैं ना कि अवतार 2 मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मास्त्र के इंडिया लाइफटाइम कलेक्शन को बीट कर देगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का ओपनिंग 3 डे 120-123 करोड़ के आसपास आया था। अवतार ने यहाँ पे ऑलरेडी 128 कमा के आगे चल रही है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो संडे टू मंडे ड्रॉप आया था ना वो 64% था, वहीं पे अवतार का 60%, जिसका मतलब अगर तुमको नहीं क्लिक हुआ तो इनिशियल जो जंप है वहां पे भी अवतार आ गया है और जो होल्ड दिख रहा है ना उसमें भी वो मार्ज बेटर। सेम चीज अगर आगे आने वाले हफ्तों में भी कंटिन्यू रखी ना इस मूवी ने, तो फिर अवतार 2 270 करोड़ या उससे ज्यादा कमा सकता है सिर्फ इंडिया के अंदर, जो कि 2022 के अंदर बॉलीवुड की तरफ से रिलीज करी गई किसी भी मूवी से ज्यादा होगा। और अगर हम लोग ओवरऑल इंडियन मूवीज की बात करें तो फिर ग्रॉस कलेक्शन, नेट नहीं, ग्रॉस कलेक्शन में ये नंबर 5 पे पहुंच सकती है विक्रम मूवी के कलेक्शन को बीट करके। लेकिन इन सब में एक कंडीशन लगा हुआ है कि रणवीर सिंह की जो सर्कस आ रही है वह अवतार का पार्टी खराब ना कर दे। उस मूवी ने लोगों के साथ कनेक्शन बना लिया तो अवतार इतने आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर सर्कस फेल हो जाती है और अवतार ने अपने पेस को मेंटेन किया तो ये इस साल की इंडिया के अंदर 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है PS1 को बीट करके। सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आज ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक मूवी के कलेक्शंस कितने गिरते हैं। अगर 15 से 11 करोड़ के बीच में रही पिक्चर, सेकंड फ्राइडे को सर्कस नहीं चली, अवतार ने 12 करोड़ से ज्यादा कमाया, तो ये सब कुछ करना पॉसिबल है उसके लिए। हॉलीवुड से हॉलीवुड मूवीज का कंपैरिजन करने के लिए लिस्ट निकालेंगे कि इंडिया के अंदर किस मूवी ने सबसे ज्यादा कमाया है, तो अवतार द वे ऑफ वॉटर ऑलरेडी 7th नंबर पे पहुंच चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो आई थी उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को इसने ऑलमोस्ट बीट कर दिया सिर्फ 3 दिन में। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे है एवेंजर्स एंड गेम, उसको टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि अवतार का मंडे 18 करोड़ का है। एवेंजर्स एंड गेम ने 31 करोड़ कमाए थे। अवतार 2 का जो लाइफ टाइम एस्टिमेशन में दे रहा हूँ 260-270 के थोड़ा ऊपर, उतना एंड गेम ने सिर्फ एक हफ्ते में कमाया था। लेकिन लिस्ट के अंदर एंड गेम के ठीक नीचे जो इन्फिनिटी वॉर है उसके कलेक्शंस को अवतार डेफिनेटली बीट कर देनी चाहिए, जिससे वो आज तक इंडिया में रिलीज हुई सारी हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट में नंबर 2 पे आ जाएगा। और एक नोटेबल चीज मेंशन करनी हो तो अवतार 2 को जो रिस्पांस मिला है साउथ में वो काफी बवाल है। एवेंजर्स एंड गेम के कंपैरिजन में तो कोई भी कंपैरिजन नहीं दिख रहा था, लेकिन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में अवतार बीट कर रही है उसको। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तरफ अगर ध्यान हम लोग फेरेंगे तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्या ये अपने पहले पार्ट का कलेक्शन बीट कर पाएगी, क्या अवतार द वे ऑफ वॉटर 2.9 बिलियन कमा सकती है। स्पॉइलर वार्निंग, चीजें इतनी इजी नहीं लग रही इसके लिए, क्योंकि अवतार 2 रिलीज से पहले एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे कि ये मूवी अपने ओपनिंग वीकेंड में 500 से 600 मिलियन डॉलर्स कमाएगी, लेकिन जो एक्चुअल फिगर निकल के आया वो 435 मिलियन डॉलर्स का है। तो ये मूवी डेफिनेटली अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे परफॉर्म कर रही है। और तुमको शायद सुन के हैरानी होगी, लेकिन अवतार को जो ओपनिंग वीकेंड मिला है ना वर्ल्ड वाइड में वो हाईएस्ट भी नहीं है इस साल का। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने उससे 7 मिलियन डॉलर ज्यादा कमाए थे, 442। और अगर हम लोग 2020 पेंडेमिक के बाद वाली बात करें तो अवतार 3rd नंबर पे आ जाती है। ओपनिंग वीकेंड में उसके ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज तो है ही, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर है स्पाइडरमैन नो वे होम। अवतार का कितना बताया मैंने, 435। नो वे होम ने 601 मिलियन डॉलर कमाया था, और ये स्पाइडरमैन की मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो लॉन्ग टर्म में चल के इसने 1.9 बिलियन डॉलर कमाए हैं। अवतार का पार्ट 2 लॉन्च में ही नो वे होम से पीछे हो चुका है, तो क्या आगे चल के वो उसको तो बीट कर पाएगा? 3 बिलियन डॉलर की तो बात ही छोड़ दो। कोई भी प्रिडिक्शन करना यहाँ पे इजी नहीं है, लेकिन हम लोग जेम्स कैमरून की मूवी की बात कर रहे हैं। उनकी पिक्चरें थिएटर के अंदर काफी लंबे टाइम तक चलती हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि डिज्नी और 20th सेंचुरी वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म बीस्ट है, पहले 3-4 दिन में नहीं कमाए तो क्या वो आगे चल के बहुत कमाएंगे। लेकिन हम लोग एक बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अवतार की सीक्वल के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस मूवी को चाइना के अंदर रिलीज मिला है। 2020 के बाद से मार्वल की किसी भी मूवी को नहीं मिला स्पाइडरमैन नो वे होम तक को नहीं, और चाइना में पिक्चर खुलने के बाद ओपनिंग वीकेंड पे इसने 57 मिलियन डॉलर्स कमाए। तुमको पता है प्रिडिक्शन कितनी लगाई जा रही थी सिर्फ चाइना से, 100 मिलियन प्लस, कमाया कितने 57। ऊपर से जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है फ्रॉम चाइनीज मार्केट वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पिक्चर
क्यों? कोविड। हाँ, आज भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मैंने रीड किया कि अब तो और ज्यादा सीवियर हो चुका है। वो एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है जिसके कारण अवतार अपने एक्सपेक्टेशन से कम रहेगी, सिर्फ चाइना नहीं बल्कि यूएस के अंदर भी, क्योंकि अवतार 2 के होम मार्केट से अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसकी ओपनिंग 170 मिलियन के आसपास होगी सिर्फ यूएस और कनाडा में। फिर बाद में उसको जाके कम किया गया 130 और 150 के बीच में। फाइनल नंबर जो निकल के आया है अवतार 2 का वो 134 मिलियन डॉलर्स है। तुम अगर ये सारी बातें सुन के निराश हो रहे हो तो फिर एक ऐसा पॉजिटिव न्यूज देता हूँ। जब अवतार 1 रिलीज हुई थी उसने यूएस के अंदर ओपनिंग ली थी 77 मिलियन की, वही अवतार जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 3 बिलियन पे है। उसके सामने अवतार 2 तो फिर भी बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ, 170, तो मतलब ये कैसे हुआ? क्योंकि अवतार का पार्ट 1 थिएटर्स के अंदर 34 हफ्तों तक चला था, 34 वीक्स, मतलब दिसंबर में पिक्चर रिलीज हुई है और अगले साल के अगस्त तक थिएटर में लगी है। ऐसे ही नहीं, वो 77 मिलियन ओपनिंग का उसने यूएस के अंदर 749 मिलियन किया है, वो भी इसके पहली बार में, क्योंकि पिक्चर उसके बाद 4 बार और रिलीज करी गई है। लेकिन ये 2009-10 की बातें अब करके खुश हो गए क्या मतलब है, क्योंकि जो अवतार 2 को ओपनिंग मिली है ना वो नंबर 4 पे है। इस साल डीसी की जो बैटमैन आई थी उसके साथ टाई में, वो भी सिर्फ 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी लिस्ट के अंदर अवतार 2 के ऊपर आते हैं थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो ले दे के मतलब ऐसा है कि अवतार का पार्ट 2 ग्लोबल लेवल पे भी कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया और डोमेस्टिक पे भी नहीं। अब अगर तुम स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन फिर से पूछोगे कि क्या अवतार 2 अवतार 1 को बीट कर पाएगी, नो प्रोबेबली आज के टाइम पे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है कि अवतार 2 3 बिलियन जाएगी। लेकिन फिर भी कोई एक फाइनल प्रेडिक्शन बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि जेम्स कैमरून की पिक्चर है, कितना लंबा चलेगी किसी को नहीं पता। हो सकता है डिज्नी वाले सही बोल रहे हैं, इसको अच्छी ओपनिंग नहीं मिली लेकिन लंबा चल के ये वहां पैसा कमा सकती है। लेकिन एक बात तो डेफिनेटली होगी कि आज के टाइम पे अवतार का जो ओपनिंग वीकेंड 435 मिलियन, डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम के 442 मिलियन से छोटा है ना, वो आगे चल के उसको डेफिनेटली बीट करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ओपनिंग लेने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की पिक्चर एकदम से गिर गई और वो 1 बिलियन भी नहीं जा पाई। 1 जुरासिक पार्क डोमिनियन जो कि इतनी टट्टी पिक्चर है उसने भी क्रॉस कर लिया भाई। और अगर अवतार 2 ने अपना होल्ड टॉप गन मैवरिक जितना दिखाया या फिर उससे थोड़ा कम भी रहा, फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम से तो वो काफी आगे निकलने वाला है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे जो एकदम पॉजिटिव वाला एस्टिमेट दिया जा रहा है अवतार के सीक्वल के लिए वो 2 बिलियन के आसपास है, वो भी अगर इस मूवी ने एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रखा तो, वहां से गिर गई तो और नीचे जाएगी। इतने में से अपने को तो कुछ पैसा देने वाले नहीं है, लेकिन अगर तुमको बुरा लग रहा है तो फिर बुरा मत मानो, ये मूवी नहीं कर पाई तो मैं भी अवतार 3 या 4 क्रॉस कर जाए 3 बिलियन, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम को भी उसके क्लोज जाने के लिए इन्फिनिटी वॉर की जरूरत पड़ी थी। आगे के पार्ट अच्छे बने तो उनको जाके थिएटर में देखेंगे, 2 साल बाद जब पिक्चर आएगी उसका रिव्यू देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रहूं या ना रहूं रिव्यू रहना चाहिए, मेरे मिलियन से पहले अवतार का 1 बिलियन ना हो जाए भाई, बहुत दुख होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे से पर्सनल कनेक्शन करना, मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे और अगली वीडियो में भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।